वेलकम इन ऑल अबाउट एग्जाम यूट्यूब चैनल गाइज। ये सब वीडियो आप सभी जो भी सीबीएसई के एस्पेरेंट हैं उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोग इसमें बात करने वाले हैं सीबीएसई के जो ट्वेल्थ की एग्जाम्स और टेंथ के एग्जाम्स हैं उसके रिजल्ट और ट्वेल्थ की जो कैंसिल होने की जो खबर है उसके बारे में क्या अपडेट है हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो गाइज अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम वीडियो शुरू करने से पहले देख सकते हैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश की जो यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाली थी, आंध्र प्रदेश में ट्वेल्थ के बोर्ड की एग्ज़ाम्स जो 5 मई से शुरू होने वाली थी इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया। और गाइज यहाँ पे देख सकते हैं इस एग्ज़ाम को लेने के लिए जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से तत्पर तैयार थी, लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट के ऑर्डर पर देख सकते हैं इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जा रहा है। तो गाइज एक अच्छी खबर है कि हाई कोर्ट ने यहाँ पर प्रेशर देकर के कहा है कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन कीजिए, अभी कोई सिचुएशन नहीं है एग्ज़ाम लेने के लिए। वहीं पर देखिए तो यहाँ पर जो ट्वेल्थ के एग्ज़ाम जो यहाँ पे रिजल्ट की बात है, जो यहाँ पे एग्ज़ाम कैंसिल किया गया था, टेंथ की एग्ज़ाम की बात करें तो सीबीएसई के जो टेंथ के एग्ज़ाम में जिसे कैंसिल किया गया था उसके रिजल्ट की बात है कि छात्रों के स्कोर कार्ड बनाने के लिए बोर्ड ने एक टेबुलेशन पॉलिसी भी तैयार की है। इस पॉलिसी के अनुसार छात्रों को 20 नंबर फाइनल इंटरनल मार्किंग के आधार पर मिलेंगे, जबकि 80 नंबर पूरे वर्ष के विभिन्न परीक्षाओं के आधार पर प्रदर्शित मार्क के आधार पर मिलेंगे। और साथ ही देख सकते रिजल्ट के बारे में बताया जा रहा है कि रिजल्ट की घोषणा 3 मई में होगी और साथ ही टेबुलेशन स्कीम के तहत मार्क्स दिए जाएंगे, ये हमने आपको बता दिया। नीचे देखिए तो लिखा हुआ है केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा बोर्ड शनिवार 1 मई की घोषणा की कक्षा 10th प्रति एग्जाम रिजल्ट जून माह के 3rd सप्ताह में 20 मई तक घोषित की जाएगी। इसके बाद यह भी जानकारी दी गई कि छात्रों के स्कोर की गणना करने के लिए एक नई स्कीम तैयार की गई है। देश में महामारी की स्थिति के कारण इस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई। बोर्ड ने स्कूल में 11 जून तक इंटरनल मार्किंग के स्कोर अपलोड करने के लिए भी कहा है। तो देख सकते हैं कितनी फास्ट प्रोसेस चल रही है। और साथ ही देख सकते हैं 12th बोर्ड की एग्जाम है जिसे कैंसिल करने की मांग लाखों यहाँ पर मिलियन में यहाँ पर ट्वीट, लगभग 1 मिलियन से भी ज़्यादा ट्वीट आज फिर यहाँ पे छात्रों के द्वारा किया गया है। और गाइस यहाँ पे आप लोगों को ये अपना जो इफ़ॉर्ट है उसे लगातार जारी रखना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल पोस्टपोन होगा और बहुत ज़्यादा चांसेस हो गए हैं एग्ज़ाम पोस्टपोन होने, क्योंकि बड़े बड़े जो इसमें ट्वीट के देख सकते हैं ब्लू टेग वाले बहुत सारे ट्वीट के हैंडलर है जो यहाँ पर लगातार ट्वीट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ सलमान खान हो गए, कई सारे सेलिब्रिटीज़ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो हैं वो एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने को लेकर के, एग्ज़ाम को पोस्टपोन नहीं बल्कि कैंसिल करने को लेकर के मांग कर रहे हैं और छात्रों को प्रमोट करने को लेकर के मांग कर रहे हैं। वहीं पे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, मद्रास के हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट सभी ने सपोर्ट में है कि एग्ज़ाम को कैंसिल करना चाहिए जैसे कि 10th का किया गया। तो गाइस देख सकते हैं कीपिंग इन व्यू ऑफ सर्जिंग कोविड-19 केसेस इन कंट्री द सेंट्रल बोर्ड एग्जामिनेशन पोस्टपोन, जो एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है उसके बारे में बताया जा रहा है कि 12th के एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया गया। लेकिन गाइस यहाँ पर जो लगातार ट्वीट किया जा रहा है ये बेहद ही ज़्यादा बेनिफिटेबल है और एग्ज़ाम अब आपका लगातार यहाँ पर जो अपडेट आ रही है कहीं कहीं से कि एग्ज़ाम आपका बिल्कुल कैंसिल होगा और बहुत जल्द इसके बारे में अपडेट आएगा। तो गाइज यहाँ पे हम आपको सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आपको अपडेट देने वाले हैं ये खुशखबरी कि एग्ज़ाम आपका कैंसिल हो गया और कैसे आपको मार्क्स जो है उस आपको दिए जाएंगे, इन सभी के बारे में हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत जल्द इस बारे में अपडेट आने वाली है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल कैंसिल होगा, क्योंकि देख सकते हैं इंडिया टुडे ने इसे हाईलाइट किया, NDTV सभी यहाँ पर लगातार हाईलाइट कर रहे हैं कि छात्र की मांग है जो एग्ज़ाम को कैंसिल करने को लेकर के, ना कि आपको पोस्टपोन बार बार पोस्टपोन नहीं बल्कि अब एग्ज़ाम कैंसिल करने का सिचुएशन आ चुका है, जब कोरोना लगभग 4 लाख के कड़ी में पर डे कोरोना केसेस मिल रहे हैं और डेथ लगभग 3000 से ज़्यादा डेथ यहाँ पर डे यहाँ पे भारत में देखने मिल रहा है। तो देख सकते हैं आदित्य देशमुख जी यहाँ पे हैं, इन्होंने भी लगातार यहाँ पे ट्वीट करके देख सकते हैं बेहद इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप सबके लिए है कि 1 मिलियन से भी ज़्यादा ट्वीट यहाँ पे छात्रों के द्वारा किया गया है और बहुत जल्द यहाँ पे इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे आपको मैं वादा करता हूँ कि सबसे पहले आप मेरे चैनल से ही सुनेंगे कि एग्ज़ाम आपका कैंसिल हो गया। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।